अच्छा है कबीर सिंह, अच्छी है। एक नंबर भाई, एक नंबर। शाशा भाई ने आग लगा दी। भाई ने आग लगा दिया, आग लगा दी 100%। एक नंबर। बाहर जाके टपरी पे देखो, पता चल जाएगा अभी। तुझे कितना चाहने लगे हम, वी लव यू शाही, वी लव यू यार। आपने पूरा हिला दिया यार, मतलब ये सिनेमा में आपने पूरा पूरा फाड़ दिया, पूरा फाड़ दिया। ठीक है, अच्छा है कबीर सिंह, अच्छी है, काम अच्छा किया है। हाँ, मेरे सोनिया सोनिया सोनिया, मेरा मेरा दिल नहीं होता। हाँ, तीन। और शाहिद कपूर कैसे लगे? अच्छा है। और हीरोइन? हीरोइन अच्छी है, दोनों अच्छी है। हाँ, इसलिए पिक्चर में बहुत सारे हैं, पप्पी बहुत है, मजा है, मतलब देखे। हाँ, देखे मजा है, चलेगी पिक्चर? पिक्चर चलेगी। एक नंबर भाई, एक नंबर, एक नंबर भाई। आके एक नंबर भाई। हाँ भाई, फटे की से भाई, 551 की से। फिल्म ठीक है, एकदम अच्छी फिल्म। शाशा भाई ने आग लगा दी। भाई ने आग लगा दी, आग लगा दी 100%। मूवी अच्छी थी, स्टोरी भी अच्छी थी, ऑसम था। एक नंबर। मेरा फेवरेट हीरो तो बहुत अच्छा लगा। एक नंबर। नाइस, माशाल्लाह। नहीं, रिसेंटली देखे ना इसीलिए, बाकी पीछे माशाल्लाह है। 100%। एक नंबर। एक नंबर। आशिकी, आशिकी। अच्छा, अच्छी लगी, अच्छी लगी पिक्चर। वो अच्छी, वो तो एक नंबर पिक्चर। अच्छा, नाइस मूवी। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर लगा दूँगा। अच्छी लगे, बहुत अच्छी। कैसे लगी मूवी? सुपर डुपर हिट। अरे एक नंबर पिक्चर, एक नंबर। शाहिद कपूर तो एक नंबर रोल करे ला है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे। मूवी सुपर है, तेलुगु डबिंग मूवी, सुपर डुपर हिट जाएगी, एक नंबर। सुपर हिट, सुपर हिट, सुपर, बहुत भारी, बहुत भारी। अल्कोहलिक लव, अल्कोहलिक लव, अल्कोहलिक लव, क्या बात है, एकदम फारूक, बहुत आगे। नाइस, एक नंबर मूवी थी। मूवी सुपर हिट मूवी, एक नंबर, एक नंबर। और मूवी में स्टोरी कैसी लगी? एक नंबर स्टोरी है। कैसी लगी मूवी? हाँ, बाहर जाके टपरी पे देखो, पता चल जाएगा अभी। बहुत अच्छा मूवी था, बहुत अच्छा। शाहिद कपूर एक्टिंग वॉज ग्रेट, नो डाउट। प्लस स्टोरी इन टोटल वॉज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, किसी को लगेगा भी नहीं कि वैसा हो जाएगा एट द एंड, बट इट्स एट द एंड यू नो इट्स अबाउट द डिटर्मिनेशन दैट एन इंडिविजुअल हैज। वो तो आप देखो, वो आपको तब पता चलेगा। नहीं नहीं, वो तो इट्स जेन्युइन, यू नो, जेन्युइन लव दिखाया गया है, जो सबको जाके देखना चाहिए। हम बोलेंगे तो बहुत बहुत सब है, एक्शन है, रोमांस है, देयर इज एवरीथिंग दैट यू वुड वांट टू हैव। 4.5। तो कैसी लगी सर कबीर सिंह? बहुत अच्छी पिक्चर है, इस पूरे साल की तो मुझे अच्छी पिक्चर लगी पूरे पिछले 6 महीने में। और शाहिद कपूर ने जो एक्टिंग की है, उसके अलावा अगर कोई भी एक्टर हो, मैं चैलेंज करता हूँ, शाहिद कपूर जिस पूरी फिल्म में जो एक्टिंग किया, कोई एक्टर नहीं कर पाता। यस, डायरेक्टर ने जो चुन के लिया उनको बहुत अच्छा किया है, और हीरोइन का भी काम बहुत अच्छा है, जो उन्होंने पंजाबी उस तरफ का जो बताया है, बहुत बढ़िया है। कॉलेज का भी सीन अच्छा है, और उसके अलावा वो गाना भी अच्छा है जो बीच बीच में दिया गया है वो, और विवेक ओबेरा का अच्छा है, उसके भाई का भी जो रोल किया है। मिला जुला की पिक्चर बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस केमिस्ट्री कैसे लगी कैरा की और शाहिद के बीच में? बहुत बहुत एकदम बेहतरीन है, बीच बीच में कहीं रोने जैसा हो जाता है, और एंडिंग इसकी बहुत अच्छा की है, फिल्म की एंडिंग बहुत अच्छी है। हाँ, उसको लगता है कि शादी हो गई है, बाद में फिर वो दोनों मिलते हैं, लेकिन
मैं इतना आपसे कहूँगा शाहिद कपूर के अलावा कोई भी एक्टर चैलेंज कर रहा हूँ नहीं कर पाता ये। यस बहुत एकदम गजब का रोल है और एक बार सबसे बोलूँगा एक बार आके देखिए आप, पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। और आपका बेस्ट सीन क्या है मूवी में जो अच्छा लगा सीन? शाहिद कपूर के साथ जब वो बीच बीच में वो भड़कता है ना और जब वो दोनों के बिछड़ने के झगड़े होते हैं, जब शाहिद कपूर उसको घर पे जाता है माँ बाप को मिलने के लिए, फिर वो रोड पे आके उसको भड़कता है तेरे मेरे बीच ये हुआ वो हुआ, मतलब वो सब तो अभी कॉमन ही है, मतलब एकदम ये बताए कि आदमी एकदम पागल टाइप हो जाता है, साइको टाइप एकदम कि भाई मेरा नहीं सुन रहे। और वो जातिवाद तो चल ही रहा है, कास्ट वाइज शादी नहीं होती है, दोनों के बीच बिछड़ना होता है, मिला जुला के बहुत अच्छा भाई, पूरे 5 दूंगा। कबीर सिंह मचा दिया, बोल आउटस्टैंडिंग मूवी, बहुत मचा दिया यार, मतलब हर एक शॉट में ऐसे लग रहे थे हम लोग गंजड़ी हो गए उधर मतलब जो शाहिद कपूर का जो लुक दिखाया ना, मतलब उड़ता पंजाब में हम लोग ने उस ऐसे ऑलरेडी देखा हुआ है, लेकिन जो ये मूवी का जो कंसेप्ट और कंटेंट था ना ऑसम। संदीप रेड्डी वैंगा ने जो डायरेक्शन किया है ना, ऐसा है कि जो बिस्लरी और एक्वारी डायरेक्शन ऐसा था कि जो अर्जुन रेड्डी का डायरेक्शन ऐसा बिस्लरी है और कबीर सिंह का डायरेक्शन एक्वारी है, सेम डायरेक्शन है, कोई फर्क नहीं, सेम फ्रेम है, सेम डायलॉग, सेम एक्टिंग। विजय देवकुंडा ने 2017 में मचाया था, 2019 में शाहिद कपूर मचा रहे। अरे यार व्हाट एन एंट्री यार, मतलब जो दरवाजा ठोकता है और जो एंट्री मारता है, पीछे से बैकग्राउंड स्कोर चलता है, मतलब बैकग्राउंड स्कोर क्या बजता है, मेरी उम्र के लो जवानो पुराना ला गाना हो दीवानो, व्हाट इट वाज द बेस्ट एंट्री यार, शाहिद कपूर की बेस्ट एंट्री थी टिल डेट, जबरदस्त। और बैकग्राउंड स्कोर और एक्चुअली एक ऐसा सीन था जब उसकी मतलब स्पॉइलर में अभी थोड़ा स्पॉइलर देता हूँ कि जब उसकी दादी माँ मर जाती है, जब उसको बैकग्राउंड स्कोर बचता ना, वो गूज़बम्प्स वाले मतलब देने वाला सीन है। और एक्चुअली जो शाहिद कपूर ऐसे डिसाइड करते हैं कि मेरे को अच्छी लाइफ जीनी है, मेरे को ये सब नहीं करना, और जब वो आईना खोल के जब दारू पीता है ना, तब वो बैकग्राउंड स्कोर बचता है ना, अमेजिंग, जबरदस्त। मतलब ऐसी मूवी भी नहीं है जो आशिकी 2 है या आशिकी वाली मूवी, ऐसी है नहीं, लेकिन पूरी की पूरी अलग मूवी है, मतलब पूरा अलग ही कंसेप्ट है। कियारा आडवाणी की बात करें तो शी लुक्स सो प्रिटी, उर्वशी मतलब प्यार तो उर्वशी सॉन्ग्स में हुआ था और फगली मूवी में हुआ था, और इधर भी तो अरे चीज़ बड़ी है मस्त मस्त बहुत अच्छी थी मूवी, ऑसम, बहुत अच्छा। कबीर सिंह इज लाइक अ लव स्टोरी, उसमें अगर प्यार ब्रेकअप हो जाता है तो कैसे हो जाता है लाइफ, इट इज अबाउट दैट। देखो अभी प्यार मतलब ये मूवी ऐसा है कि जो प्यार कभी कभी आदमी को डुबा भी देता है, कभी कभी आदमी को ऊपर भी लेके जाता है, प्यार ऐसा है, लेकिन वो खुद के ऊपर है कि प्यार कैसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। यूथ के लिए ये यूथ के लिए मूवी है, जो हम लोग का जैसा टीनेजर लोग के लिए मूवी है कि जो प्यार कर रहे हैं ना, ये सिगरेट्स ड्रग्स अल्कोहल ये सब मतलब ये करके कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, खुद को ही बर्बाद करने वाले हो प्यार करके, इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्रग्स करोगे ये करोगे तो वापस नहीं आने वाले हो बंदी, वो तो है फेवरेट ऐसा नॉट एन फेवरेट डायलॉग बट उसका उसके अरे यार शिवा मतलब सपोर्टिंग एक्टर आफ्टर संजू ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है मेरे हिसाब से, मतलब उसने कॉमेडी भी किया है। देख मूवी में एक्चुअली ऐसा सीन ऐसे बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे बेटर सीन्स लगे मुझे, इवन शाहिद कपूर उसके बॉन्डिंग मतलब जो उसको दोस्त दिखा शिवा, इतने जबरदस्त बॉन्डिंग दिखा मेरे को, तो संजू मूवी की याद आई मेरे को। नहीं 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 एक्चुअली तो नहीं, मतलब सपोर्ट करना चाहिए लेकिन वो गंदे आदों के सपोर्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। सॉन्ग्स वॉज इट मतलब 2019 के सबसे बेस्ट सॉन्ग है मेरे हिसाब से तो, वन ऑफ द मतलब 2019 में सबके सब मतलब बोलते ना मुझे तुझे कितना चाहने लगे हम एंड बेख्याली, ये तो दो गाने हिट ही है, बाकी के और ऐसा गाने कि कैसे हुआ मतलब ऑसम। शाहिद कपूर का गेम चेंजर ऑफ हिज करियर, मतलब
सिर्फ यही बोलना चाहेंगे कि ऐसे फिल्म्स लाओ और हमें खुश करो और कुछ नहीं। मुझे एक इशू दिखा मूवी में कि मूवी को ए सर्टिफिकेट दिया है तो मतलब अब्यूसिव जो वर्ड्स है वो म्यूट करके फायदा क्या है? अगर आप फिल्म को एडल्ट फिल्म दे रहे हो मतलब बना रहे हो। एक्चुअली एक सीन ऐसा था जो हम दोनों ने और नोटिस किया ना, एक मतलब ए सर्टिफिकेट है एडल्ट है लेकिन इसमें फक एंड मतलब ऐसा गाली ऐसा था इंग्लिश गाली मतलब फक एंड ऑल, लेकिन हमारी जो मातृभाषा की गाली है एम सी बी सी मतलब ऐसा वर्ड नहीं यूज कर रहा वो सब म्यूटेड है, लेकिन फक मतलब यू गो एंड फक योरसेल्फ ऐसा ऐसे वाले गाली है एस होल्स एंड ऑल मतलब वो ऐसे 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 टाइप के गाली है, लेकिन जो मातृभाषा की गाली वो अपने कट क्यों गया वो मुझे अभी तक नहीं समझा सेंसर बोर्ड ने ऐसा क्यों किया। वो ए सर्टिफिकेट देता मतलब सब कुछ चाहिए था उधर। मतलब शाहिद कपूर आप ऐसे रोल आपने बहुत देखा आपको, लेकिन अभी थोड़ा चेंज करो मेरे हिसाब से तो आप थोड़ा चेंज करो। मतलब आपने अपने इसमें मतलब कॉलेज बॉय दिखा दिया आपने, मतलब एक गुस्से वाला लुक दिखा दिया, पद्मावत में एक पीरियड लुक था वो भी एक अच्छा था, लेकिन ये थोड़ा चेंज नया लुक अभी है थोड़ा नया करो अभी कुछ तो। अभी बताने गए थे एक एक मिनट में रोमांस है, एक मिनट में एक एक सीन है और मतलब ऐसा लग रहा थी मैं मूवी देख रहा हूँ इमरान हाशमी की मूवी देख रहा हूँ ऐसा लग रहा था। मैं सीरियसली इमरान हाशमी तो बहुत कम करते थे इसका मेरे को और एक मूवी की याद है बेफिक्र है, रणबीर कपूर ने तो बाप मतलब रणवीर सिंह ने तो बाप रे बाप मतलब हर 15 मिनट में किस कर रहा है हर 15 मिनट ये तो भाई एक एक सेकंड में कर रहा है। बहुत मजा आया, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग ब्लॉकबस्टर, शायद की शायद फर्स्ट 100 करोड़ मूवी लग रही मुझे तो। और अर्जुन रेड्डी की रीमेक है, सेम टू मैंने तो देखी है फिल्म, मुझे बहुत मज़ा आया था अर्जुन रेड्डी देखकर, कबीर सिंह देखकर भी यही मज़ा आया, सेम इंटेंसिटी है, पैशन है, और जो ब्रेकअप थी ब्रेकअप का पूरा पोर्शन दिखाया बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया। केमिस्ट्री कैसे लगे दोनों? यस रियली गुड केमिस्ट्री, एक्चुअली सबसे मेन पार्ट वही है कि मतलब केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर ऑडियंस का मतलब मन नहीं रह गया, तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत मज़ा आया। गाने कैसे लगे मूवी के? गाना ऑफकोर्स बेख्याली तो चार्ट बस्टर गाना है मेरा फेवरेट, तो कैसे हुआ है मूवी में आपको ज़्यादा सीन ऑफकोर्स होली सीन मतलब होली सीन जो है शायद वो शायद जब क्लासरूम मतलब कॉलेज के अंदर आता है वहाँ से एक भी कट नहीं है पूरा कंटिन्यूस है, तो आई थिंक पता नहीं कितने टेक्स लिए होंगे, लेकिन आई थिंक विजय देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में भी एक ही टेक में वो पूरा किया था और विदाउट एनी कट्स, तो शायद ने भी वो सेम किया, रियली गुड, आई रियली अप्रिशिएटेड एफर्ट। फाइनली पांच में से कितना आज में से डेफिनेटली फोर स्टार्स।